पहले इलाहाबाद और कोर्ट और आज परसों सुप्रीम कोर्ट ने भी 200 पॉइंट रोस्टर हटाकर 13 पॉइंट रोस्टर कर दिया। दूसरा है कि विश्वविद्यालय और कॉलेज यूनिट नंबर करके विभाग यूनिट माना है। इससे सबसे ज़्यादा नुकसान जो है अनुसूचित जाति को होने वाला है, उसके बाद शेड्यूल ट्राइब को और फिर OBC को होने वाला है। इससे एक बात क्लियर है कि सबको नुकसान। हाँ, सबको नुकसान। लेकिन अगर हम इसको क्रमवार देखें तो सबसे ज़्यादा नुकसान में रहेगी ST, क्योंकि ST की पोस्ट जो निकलती है, टोटल पोस्ट जो निकलेगी वो 14वां नंबर ST का है, और इसमें OBC का 4था नंबर रहेगा, फिर देन 7वां नंबर रहेगा अनुसूचित जाति का। हम ये बहुत प्रैक्टिकल हम लोग अगर देखें विश्वविद्यालय के वैकेंसीज जो निकलती हैं, अपॉइंटमेंट जो होता है, मैक्सिमम जब भी पोस्ट निकलता है वो कभी भी 5-7 वो निकलते ही, एक दो तीन निकलती है। अगर एक दो में आप देखिए कि 4 के 4 पोस्ट, जैसे मेरा डिपार्टमेंट में संस्कृत डिपार्टमेंट से आती है, संस्कृत डिपार्टमेंट में तो हम लगभग जब से डिपार्टमेंट बना है तब से हम हैं ही 7 लोग। अब आप सोच के देखिए कि 7 लोग अगर होंगे तो उसमें OBC के अलावा एक OBC आएगा ले देके, इसके अलावा ST और SC बाहर पूरी तरह से। तो इसमें जो सबसे ज्यादा नुकसान में रहेगा वो हमारा ST और SC समाज है। और ये इसलिए भी क्योंकि आप ये देखिए कि जब अभी टाइम्स ऑफ इंडिया ने पूरा का पूरा एक रिपोर्ट दी कि असिस्टेंट प्रोफेसर कितने हैं, SC कितने हैं और ST कितने हैं, और ये भी तय है कि मंडल के बाद जो प्रवेश हुआ 2007 में यूनिवर्सिटीज में उसका कोटा पूरा तो नहीं किया गया था, हम भी मान रहे हैं ये। कभी ब्लैक जो बैकलॉग है उसको ईमानदारी से कभी नहीं फुलफिल किया गया, से आरक्षण को झुंझना बना के रखा हुआ। अब हाल फिलहाल के अगर उसको देखें, हाल फिलहाल के अगर इसको देखें, 5 मार्च का जो लेटर आता है तो हम लोग रिले हंगर स्ट्राइक पे बैठे जॉइंट एक्शन कमेटी के माध्यम से, पर हम लोग ये मान के चल रहे थे सरकार के दल आए हमारे पास बहुत, ये था कि वो लोग आके आश्वासन दिया हुआ है, उनसे हम लोगों का ये उम्मीद बनी थी कि शायद वापिस हो जाएगा। लेकिन जो लचर जो व्यवस्था है बिल्कुल, मतलब हम लोग तो बहुत अच्छी तरह, आप भी सरकार है ये भी आप भी जानते हैं कि जिस तरीके से जो लचर व्यवस्था है जुडिशरी जो एकदम मतलब एक ऐसे डिसीजन लेती आ रही है तो SC और ST के बिल्कुल खिलाफ जाता है। उससे पिछले उठा के देख लीजिए वो बहुत मतलब भयानक किस्म का एक तरह से हमारे सामने डिसीजन लेते आ रहे हैं। ऊपर से सरकार हमारी ऐसी है जो नहीं चाहती कि SC ST लोग शिक्षण संस्थाओं में आए। संक्षेप में मैं ये कहूँगी कि एक बार फिर आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी, इतने संघर्षों के बाद भी एकलव्य का अंगूठा मांगा जा रहा है, और वो मांगा नहीं जा रहा बल्कि काट दिया इसके माध्यम से। अच्छा, अब हमारे पास ना तो वैकेंसी निकलेगी ना रिजर्वेशन की जरूरत। अच्छा, एक तरफ जो है सरकार स्वर्णों को आरक्षण दे रही है, दूसरी तरफ अभी 13 पॉइंट रोस्टर जारी कर रही है, तो ये तो पूरी तरह से है कि आप मतलब हम नहीं आने देंगे बेसिकली ना, इसको बहुत इसकी ना तह तक जाने की जरूरत है। जो मानसिकता काम कर रही है ना, आप सिर्फ इसी सरकार की बात क्यों कर रहे हैं? जो हमारे जो दलित SC ST OBC के जो नुमाइंदे हैं राजनीतिक दलों में, वो भी बार बार आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग कर रहे हैं लोकसभा में भी। याद करिए रामविलास पासवान जी ने खुद कहा, मायावती ने सबसे पहले स्टैंड लिया था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। हमारे SC ST जो रिप्रेजेंटेशन एक तरह से करते हैं दल जो पार्टी, उनका खुद का भी अपनी मानसिकता क्या है, वो भी तो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी ने कोई नया काम नहीं किया, बीजेपी ने लेकिन वो जो बीज इन्होंने बो दिए थे ना उसको काटा है। अच्छा, क्यों? क्योंकि उनका भी इलेक्शन का तो है ही एकदम, इसलिए वो प्रैक्टिकली तो हो ही नहीं सकता ना, आर्थिक आधार वाला भी कैसे होगा। अब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मेरी जो पे बनती है वो 6 लाख के आसपास है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सामान्य मुझे मान लिया जाए सामान्य वर्ग में, तो मैं गरीबी रेखा के नीचे आती हूँ इनके अनुसार, तो इसका मतलब तो मुझे तो रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन रिजर्वेशन किसको मिल रहा है, आप किसको देंगे? सबसे बड़ी बात रिजर्वेशन तो तब देंगे ना जब नौकरियां होंगी। नौकरियां है नहीं, नितिन गडकरी बोल रहे हैं कि बना नहीं रहे। नितिन गडकरी का कोटेड बयान है कि हमारे पास नौकरियां है नहीं। जब आपके पास नौकरियां है ही नहीं तो आप रिजर्वेशन किसको दे रहे हैं? एक तरह से बेसिकली सरकार राजनीतिक दल अपने जिम्मेदारी जो सरकार की कल्याणकारी राज्य की जो जिम्मेदारी होती है शिक्षा आवास की योजना उससे पल्ला झाड़ के सिर्फ जनता को इस प्रजा को प्रजा बना रही है, जनता प्रजा बना के उस प्रजा को अपने ही तरीके से काम कर रही है। वो अपना विश्लेषण इसके माध्यम से कर रही है, उनको प्रजा से जनता से
अगले दिन दूसरा आ जाएगा आपके पास, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इसके बाद कौन सा मुद्दा आपको लेके आना। याद कीजिए रोहित वेमुला के, रोहित वेमुला का मर्डर होता है, लोग दलित बहुजन समाज सड़कों पर उतरता है, SC ST किस तरीके से एकदम साउथ से लेके नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सब में उन्होंने डाइवर्ट कहाँ किया, कन्हैया पे। अदरवाइज तो कन्हैया का मुद्दा कैसे आ गया था एकदम। अच्छा आपको मैं थोड़ा सा रिमाइंड कराना चाहूंगा कि बीच में इतने दिन सरकारें रही चली और फिर से इलेक्शन आने वाला है तो फिर से चार्जशीट दाखिल कर रहे हैं, फिर से उसको बाहर ला रहे हैं। देखिए मुझे नहीं लगता कि अच्छा कन्हैया वाला, हाँ, वो एक राजनीतिक स्टंट, हाँ, वही वही मैं बात भी नहीं करना चाहूंगी क्योंकि हमें ये पता है कि कन्हैया भी उन्हीं का है और ये जो कर रहे हैं, जो करवा रहे हैं वो भी उन्हीं के, इससे दलितों का हित नहीं होने वाला क्योंकि हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हम लोग एजुकेशन इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, हम लोगों को ये था कि ये संस्थानिक हत्या है रोहित वेमुला की, इस पर UGC कुछ गाइडलाइन तय करते हैं और वो गाइडलाइन तय होती, मुझे विश्वास था कि हो जाएगी, लेकिन जैसे ही कन्हैया कुमार वाला आता है मुद्दा तो सारा का सारा मीडिया, सारा का सारा मूवमेंट्स उसकी तरफ झुक जाते हैं, जो बाद में क्या हुआ हम सबको पता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, पर मैं बात भी नहीं करना चाहती। मैं ये कहना चाह रही हूँ बस कि हमारे जो सोशल जस्टिस के जो सवाल हैं वो सोशल जस्टिस के सवालों को हमें ही तय करना है, हम ही उसको सुलझा सकते हैं और वो सुलझाए तब जाएगा जब आप ये जो आवाज़ दो हम एक है, वाकई में एक है भी। आप अपने भाषण में बोल रहे थे कि आवाज़ दो हम एक हैं, लेकिन क्या हम एक हैं? नहीं, मैंने तो कहा, मैं अभी भी कह रही हूँ कि वाकई क्या हम एक हैं। इसको दो तरह के, 2 अप्रैल में जो मूवमेंट हुआ ना, मैं फिर दोहरा रही हूँ, वहाँ भी मैंने यही कहा था कि अगर इसको 2 अप्रैल की तरह नहीं लेकर आया गया और ये सीधा वोट बैंक से नहीं जुड़ा, नहीं जुड़ा, क्या हम अपने राजनीतिक स्वार्थों से, राजनीतिक स्वार्थों से ऊपर उठ के क्या हम इस पे काबिल हैं कि हम हम अपने राजनीतिक स्वार्थों से, राजनीतिक दलों से ऊपर उठ के इसके ऊपर काम कर सकें? इसलिए मैंने कहा कि हम ये तो कहते हैं आवाज़ दो हम एक, लेकिन है नहीं है। अगर होते तो हंगर स्ट्राइक जो चली थी, रिले हंगर स्ट्राइक, हम सबको पता था कि अगर सरकार SLP डालती है तो उसका क्या ज़्यादा सा परिणाम होने वाला है, कोई पॉजिटिव नहीं था। लेकिन अगर हम उसको कंटिन्यू करते तो बहुत, अब देखिए ना, आप बार बार शब्दों को बदल रहे हैं, कहाँ तो आप आदिवासियों की बात कर रहे थे, आप आदिवासी बदल के आपने वनवासी कहना शुरू कर दिया, क्यों कह रहे हैं? डेरोगेटरी टर्म यूज़ किया, बहुत भयानक स्टेटमेंट है। अगर इस तरीके के नैरेटिव जो बदल जा रहे हैं ना, बहुत अच्छी, मतलब अच्छे उसकी लिए नहीं है कि कोई बहुत बड़ी तरक्की होने वाली है, बल्कि वो बेसिकली हमें वही पहुंचाना चाहते हैं जहां वो हमें देखते हैं, जहां वो देखते हैं, जो हमें जैसे कॉलेजेस में, मैं मोतीलाल नेहरू कॉलेज में पढ़ाती हूँ, कई बार जानबूझ के लोग जानबूझ के झाड़ू की चर्चा करना शुरू करते हैं, साफ सफाई की करना शुरू करते हैं, मुझे क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये उससे संबंधित है। और आपको वही देखने में उनको अच्छा लगता है? उनको अच्छा लगता है, वो चाहे उसकी प्रशंसा में कह रहे हो, चाहे उसकी नेगेटिविटी में, ये बहुत एक अलग किस्म का नैरेटिव है जो हमारे साथ। अच्छा एक मैं कौशल जी, हाथ रुका हुआ, मैं ये मिर्चपुर बरा बहुत सारे जब जो कांड हुए थे तो मैं वहाँ पे जाया, मैं यहाँ सहारनपुर पे गया था, एक चीज़ मैंने नोटिस किया, जो घर जलाए गए थे दलितों के, वो उन दलितों घर नहीं जलाए गए थे जो वाकई में गरीब हैं, जैसे कि जिनके घर कपड़े के यहाँ जलाए, उनके, हाँ उनके घर जलाए गए थे जो थोड़े से थोड़ा वेल ऑफ है, हाँ, मैंने एक चीज़ मिर्चपुर में 18 घर जलाए थे, 18 के 18 अच्छे घर थे, सहारनपुर वाले अच्छे घर, कुछ जबकि कुछ ऐसे घर थे जिनको कि माचिस के तिल्ली से भी जलाया जा सकता था लेकिन नहीं जलाया गया। तो क्या आपको ये लग रहा है कि आज के तारीख में भाई रिजर्वेशन या नॉन रिजर्वेशन जैसे भी हो, पढ़ाई में और शिक्षक में पूरी तरीके से नहीं पहुंचे लेकिन पहुंच रहे हैं, एक प्रोसेस है, हाँ बदलाव तो है, मैं बदलाव देखिए, मैं अगर बदलाव तो आया है, भले बैकलॉग हो लेकिन बदलाव आया है, क्या आपको लगता है कि इस नाम मात्र के बदलाव से, एक चिंगारी से, मसाल नहीं बनी है, चिंगारी से भी वो आहत हो गए हैं? देखिए मैं ना, मैं उधार लेती हूँ मेरे गांव का, मैं गांव से आती हूँ, हमारे यहाँ एक कहावत, मैं भी गांव से हूँ, हाँ, हमारे यहाँ एक कहावत बहुत प्रसिद्ध रही है कि लड़ाई दो लोगों में तब होती है जब दोनों बराबर के, अगर एक कमजोर हो तो उसको दो लात मार के चले नहीं जाते थे जमींदार, हाँ। नहीं बोलता था आगे से, हाँ। लेकिन अब मारेंगे तो कम से कम, अगर उल्टा नहीं मारेगा तो घुराएगा जमीन, हाँ, हाँ। ठीक है, यही नतीजा है मिर्चपुर का, जो जो बस्तियां जला दी गई थी, हाँ, जला दी गई, हाँ, वो इसलिए ज्यादा जलाए गए क्योंकि उनको पता था कि ये हमारी बराबरी में आने की कोशिश है, हाँ, मिर्चपुर में, मिर्चपुर में जो घर जलाए गए थे वो टीचर थे, शिक्षक थे, अच्छे, वो क्यों सिर्फ गोहाना में देख लीजिए, बहुत सारी जगहों पे देखेंगे, आवाज कम, यही रहा, एक मिनट इसको एडिट कर हटा देंगे ना, आवाज का लेवल थोड़ा घट पड़ जा रहा है।
टॉप हो जाएगा, सिर्फ एनडी टीवी नहीं भी, हमारा भी चैनल चलता है। हाँ, यस, हाँ मैडम कंटिन्यू। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बेसिकली आर्थिक संपन्नता जब आती है, तो जैसे कि समृद्धि में कहा गया है ना कि अगर गरीब के आदमी के पास धन आ जाता है वो ब्राह्मणों को दुख देगा, लिखा हुआ है एक जगह, पूरा मंत्री ये वही वैसे वैसा है, क्योंकि बराबरी में नहीं देखना चाहते ना आपको। आप देखिए, आप आपने सो कॉल्ड जो हमारे प्रोग्रेसिव लोग हैं वो ये कहते हुए मिल जाएंगे, नहीं हम लोग तो नहीं जातिवादी, हम लोग तो साथ में बैठते हैं, खाना खाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। लेकिन अगर उनसे ये पूछ लिया जाए कि आपने कितनी कितनी मैंने शादी की हुई है, अरेंज मैरिज आपने कितनी गरीब लोगों के घर में की जाए, आपको आपके सामने डाटा आ जाएगा। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि लड़ाई तब होती है जब दोनों समर्थ। अब इनको ये लगता है कि रिजर्वेशन के माध्यम से ये लोग पढ़ भी रहे हैं, ये लोग शिक्षा के क्षेत्र में भी आ रहे हैं, और जाहिर सी बात है जब शिक्षक पढ़ाता है क्लास में तो कहीं ना कहीं वो उस तबके को प्रभावित तो कर ही जाता है। हाँ, कहीं ना कहीं तो कहीं ना कहीं एकदम करता है। जब आप उदाहरण देंगे तो कहीं ना कहीं आएगा ही ना। एकदम आता है, बिल्कुल आता है। आप इसको ना माने अलग बात है, लेकिन मैं खुद पढ़ाता हूं, मैं मानता हूं। बिल्कुल एकदम एक एक इमोशनली टच, या वो उदाहरण भी लेगा तो उस तबके के लेगा जो उसने खुद भी झेला। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ सिर्फ कि ये जो एक नैरेटिव है, इस नैरेटिव को समझने की जरूरत है और इसी को खत्म कर। आप देखिए ना, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में गेट जो दरवाजा है उस पर लिखा हुआ द्रोणाचार्य द्वार, आज भी लिखा हुआ। बल्कि ये तो शर्मनाक शर्मनाक चीज है जब चेक कर लीजिए। इसलिए मैंने एकलव्य का उदाहरण लिया कि एकलव्य का अंगूठा दोबारा फिर ना सिर्फ मांगा जा रहा है बल्कि ले लिया। राजस्थान हाईकोर्ट में आपका मनु का लगा हुआ है, देख लीजिए। तो ये आपको इन सारी चीजों को देखने से आपको समझ आ जाता है कि आप एक ऐसे मतलब नैरेटिव को बदलने की कोशिश कर रहे हैं जिस नैरेटिव को बनाने के लिए न सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर ने बल्कि लगातार सामाजिक आंदोलनों का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। सावित्री बाई फुले ने इतना संघर्ष करके अपने आप को मतलब इस काबिल बनाया कि शिक्षा के प्रतिभा फुले का बाबा साहब अम्बेडकर जितने भी हमारे आप, अगर आप बिल्कुल आवाज़ नहीं आएगा, अगर आप बिल्कुल एक अलग तरह के रास्ते में जाएं तब भी वहाँ भी आपको साफ दिखाई देगा कि जो जितने भी आपका ग्रंथ लिखे गए हैं कहीं ना कहीं शूद्रों का योगदान तो रहा है ना उनमें, वो अलग बात है कि वो सच में थे या नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो नरेटिव को बदल दिया था। लेकिन आज की जो स्थितियाँ हमें दिखाई दे रही है उसको खत्म करने के लिए एक प्रयास है। आप ये देखिए ना, अचानक ये मुद्दा कैसे आ गया रिजर्वेशन का। हाँ, किसी ने संघर्ष किया, कोई सड़कों कोई संघर्ष, कोई कमेटी की रिपोर्ट्स है ना? बिल्कुल नहीं। आपके पास क्या पैमाना क्या था? हाँ, कोई तो आधार होना चाहिए था ना, जिसके आधार पे आप कोई स्टडी होनी चाहिए थी, कोई स्टडी। जैसे अगर आप मंडल कमीशन में माने तो उसकी एक स्टडी हुई है, लोग मरे थे भाई। हाँ, लोग मरे थे या फिर ने आंदोलन किया जो हरियाणा में फूक दिया, सब चीजें हुई, उनके आंदोलन है, भले ही वो एक अलग अलग नैरेटिव है, हम उस पर नहीं बात करना चाहते, लेकिन संघर्ष तो है ना सड़कों तक। उन्होंने कौन सा संघर्ष किया? और मुझे नहीं लगता कि किसी आर्थिक गरीब आदमी को जो अपर कास्ट का है उसको कोई खुशी हुई, क्योंकि वो अपने स्टेटस को मेंटेन करना चाहते हैं, आर्थिक से उनका ज़्यादा लेना देना नहीं होता। और ये अपने आप को बेवकूफ़ बनाने की और बनवाने की बात है कि आर्थिक आधार पर अमीर गरीबी का बंटवारा है। भारत हमेशा जातिगत रहा है, यहाँ भेदभाव हमेशा जातिगत हुआ। अगर कोई गरीब भी है और अपर कास्ट का है उसके साथ आप सोशल जस्टिस इवन के लोग रिस्पेक्टफुली बोलते हैं, रिस्पेक्टफुली हम पढ़ते हैं ना, एक गरीब ब्राह्मण पंडित जी बोलते हैं ना, भाई जी बोलते हैं, चाय भी पिला रहा। और देखिए, तो ये इसको भी समझने की जरूरत है कि किस तरीके से चीजों को बदला जा रहा है ताकि एक मिनट मैडम, आपने यहाँ पे 10% रिजर्वेशन की बात की और अभी ये 200 पॉइंट रोस्टर की बात हो रही है। कई बार हम बोलते हैं ना कि प्रोग्रेसिव अपर कास्ट, प्रोग्रेसिव ब्राह्मण, एक वर्ड टर्मोलॉजी यूज होता है और कुछ लोग हैं प्रोग्रेसिव, मैं उसमें भी नहीं जा रहा हूँ, है भी, लेकिन 10% अगर वो प्रोग्रेसिव हैं तो ऐसा तो नहीं कोई सड़क पूत रहा कि ये गलत हो रहा है? जैसे कि कुछ लोग जो प्रोग्रेसिव हमारे साथ उतरते हैं वहाँ तो कोई नहीं उतरा, गलत हो रहा है। अब बताइए क्यों करेंगे? यहाँ भी एक अंदर खाते मैं, तो वो प्रोग्रेसिव फोर्स भी जातिगत तो है ही ना। आप ये देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स जो एसोसिएशन है, इतनी बड़ी एसोसिएशन, ठीक है, आपने देखा कभी कि सिर्फ अकेले रिजर्वेशन पर उसने बात की हो? नहीं, कभी नहीं, नहीं की ना। तो ये क्या है, आप मुद्दा रहा है नो डाउट, और वो भी रहा तब है जब हम लोग यूनिवर्सिटीज में आए। हाँ, एक्चुअली क्या है कि वो एसटी का एक अपना रेजिस्टेंस, क्योंकि वोट बढ़ गया है ना, उसके आधार पे बात हो रही है, लेकिन आपने एक मुद्दे को लेकर तो कभी बात नहीं की। कभी कभी ऐसा भी डर होता हुआ कि कहीं इनकी, मैंने बोलते हुए भी मैं यही कहना चाह रही थी, ज्वाइंट एक्शन कमेटी
टू सेव रिजर्वेशन वाला जो था उसमें जो विश्वास दिया गया था वो डूटा ने दिया था साथ में, लेकिन इसके बावजूद डूटा का स्टैंड क्या रहा, वो एक तरह से खत्म ही कर दी गई धीरे धीरे, सिर्फ एसएलपी का आश्वासन के बाद कुछ भी नहीं हुआ, उसका रिजल्ट आप सामने देख रहे हैं। अगर उस वक्त कुछ किया होता तो मुझे लगता है शायद ये हालत जो जो कोर्ट में केस ही हार गई सरकार, वो शायद ना हार। अगर इसको कंटिन्यू इसके ऊपर हम चर्चा करते, क्योंकि हमने इसको वीटो कर दिया ना एक तरह से, आपने रिले हंगर स्ट्राइक की, कंटिन्यू हम लोग हंगर स्ट्राइक, उसमें ये होता कि जैसे उसको जब तक समाधान नहीं निकलना था और उसका समाधान होता तो एक एक क्वेश्चन वो आता, लेकिन वो नहीं आया क्योंकि हमने उसको वीटो कर लिया, और क्योंकि हमने उसको वीटो कर लिया था फ्रंट कैमरा में ज्यादा इशू उसी तरीके से, इसलिए सरकार ने भी फिर उसको उसी तरीके से लिया। वही है ना, यथा राजा तथा प्रजा। हमारा आक्रोश उनको कम दिखाई दिया, 2 अप्रैल को उनको ज्यादा दिखाई दिया, बड़ा लार्ज। तो आपको कहीं लगता है अगर वो रिले स्ट्राइक कंटिन्यू होता तो इसी सेशन में जो पार्लियामेंट ने 10% स्वर्णों का रिजर्वेशन दिया, तो जो SC ST वाला जो इन्होंने जो दिया ना एट्रोसिटी एक्ट वाला जो अध्यादेश लेके आए, मुझे लगता है अगर ये कंटिन्यू संघर्ष रहता तो शायद उस के मुद्दे पे भी अध्यादेश उसी में लेके आ सकते। लगभग जीरो ही है, बहुत एकदम नहीं। और वो जैसे ही वो SC की पोस्ट जनरल कैटेगरी में चेंज होती है थर्टीन पॉइंट पोस्ट के नाम से, तुरंत टीचर इंचार्ज या डिपार्टमेंट उसको अपॉइंट क्यों करेगा, उसको करेगा जो जनरल कैटेगरी का होगा दोबारा इंक्रूव होगा। ये तो बहुत, ये सिर्फ SC ST OBC का मसला नहीं, बल्कि जितने तमाम यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं जो एडोप पढ़ा रहे हैं, जैसे ही छुट्टियाँ होंगी और नई ज्वाइनिंग होगी, रीज्वाइनिंग जब होगी, रीज्वाइनिंग होगी तो 13 पॉइंट पोस्ट के माध्यम से होगी, सबका डामाडोल होगा, सारी चेंज होगी। उससे बेनिफिट ये था 200 पॉइंट पोस्ट से कि उससे हमें सीट मिलती, ठीक है, कि मान लीजिए टोटल जो सीट आ रही है 200 पॉइंट पोस्ट के माध्यम से रिजर्वेशन तो जानी जानी SC ST होगी, लेकिन 13 पॉइंट में क्या है कि मान लीजिए आपने 4 पोस्ट निकाली, ठीक है, हालांकि 4 निकलते हैं किसी भी डिपार्टमेंट, 3 या 4 पोस्ट से ज़्यादा निकलती, मान लीजिए आपने निकाली, निकालते ही जो पोस्ट आएगी 13 पॉइंट पोस्ट के माध्यम से, पहले जनरल की पोस्ट जाएगा, दूसरे भी जनरल जाएगा, तीसरे भी जनरल जाएगा, चौथी जो पोस्ट होगी वो OBC को जाएगा।